सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट जरूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूं आपका दोस्त शिवाज मसीह। तो आज हम बात करेंगे 15th ऑफ मई को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करके चल रहा है, क्योंकि कर्नाटका के इलेक्शन के रिजल्ट्स कल आने हैं तो मार्केट बहुत वोलेटाइल हो सकता है। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे हम मार्केट को कल पूरे अच्छे तरीके से डिराइव कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो वो जो डाटा है वो मैं डाटा आपके साथ तब शेयर करूंगा जब मैं आपको 5 स्टॉक्स बता दूंगा। तो अगर हम पिछले आज ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको बताया था 5 स्टॉक्स ACC, HPCL, कजारिया सेरेमिक्स सेल करने की सलाह दी थी, L&T और भारती एयरटेल। तो ये 5 स्टॉक्स मैंने आपको सजेस्ट करे थे जिसके कजारिया सेरेमिक्स के हमें पहला टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिला और जो मैंने आपको इसका स्टॉप लॉस बताया था उस स्टॉप लॉस के एक पॉइंट नीचे उसने अपना हाई बनाया और उसके बाद से हमने फिर वहां से गिरावट शुरू होते हुए देखी और हमारा टारगेट हमें अचीव होते हुए दिख गया। तो हमें पांचों के टारगेट्स अचीव होते हुए दिख गए थे 500 स्टॉक्स के अंदर और मुझे किसी ने कमेंट करके भी बताया था कि उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ आज इंट्राडे के अंदर, तो अच्छा होगा उसके लिए। आज हम बात करते हैं कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कल कर सकते हैं। तो एशियन पेंट्स, HUL, PFC, एम्फेसिस और इंडिगो, ये 5 स्टॉक्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ टेक्निकल बेसिस के अंदर जो मैं आपको बता सकता हूँ। एशियन पॉइंट्स बाय करने की सलाह दी जाएगी 1305, 1312 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 21286 का लगा के चलना होगा। HUL की बात करें बाय करने की सलाह दी जाएगी। HUL के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक नहीं है, हम कैसे नहीं सकते, पर स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि हम इसे बाय करने की सलाह दे। पर जिस तरीके से हमने देखा कि HUL के रिजल्ट आए हैं तो इस क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। अगर मार्जिन की बात करें तो 11% का मार्जिन में इंक्रीज हमें देखने को मिला है तो बहुत बढ़िया है और जो भी इसके प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के बेसिस के अंदर भी इस कंपनी ने बहुत अच्छा मुनाफा दिया है और 12 रुपए का डिविडेंड भी इस कंपनी ने दिया है। तो हम कह सकते हैं कि कल के मार्केट में ये आउट परफॉर्म कर सकता है और जिस तरीके से अगर हम इसका डेली चार्ट के प्रीवियस दिन को देखें तो वहां पर भी सबसे ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट नहीं आते हुए देखा था जिस दिन आज हमने देखा है। सबसे ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट वॉल्यूम हमने सबसे ज्यादा आज की ट्रेडिंग सेशन में HUL को देखा है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि लोगों ने सबसे पहले से पोजीशन HUL में बिठा के नहीं बैठे हैं और अब हम कह सकते हैं कि कल मार्केट में गिरेगा नहीं क्योंकि लोग अपनी पोजीशन को काटेंगे नहीं। तो इसको बाय करने की सलाह दी जाएगी 15, 17, 15, 28 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 1487 का लगा के चलना है। अगर मैं इसके एक हर्डल की बात करूँ जो टारगेट चार्ट में हमें देखने को मिला तो 1513, 1514 एक स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर उस रेजिस्टेंस को वो क्रॉस कर देता है तो हमें और अपसाइड्स देखने को इस स्टॉक के अंदर मिल सकती है। PFC सेल करने की सलाह दी जाएगी। आखिरी के 15-20 मिनट के अंदर भी जब मार्केट क्लोज हो रही थी तो हमने देखा था कि इसमें ज्यादातर सेल ऑफ ही बढ़ रहा था और शॉर्ट्स इसमें बने जा रहे थे। तो टारगेट आपको 78.80, 76.90 तक मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 83 का मेंटेन करके चलना पड़ेगा। एम्फेसिस की बात करें तो एम्फेसिस को आपको मैं सेल करने की सलाह दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर आपको बाय की रेटिंग शो कर रही होगी पर आप मैं आपको बाय करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, आप मैं एम्फेसिस को सेल करने की सलाह दे रहा हूँ। जिस तरीके से हमने देखा था कि इसने इंट्राडे में बहुत अच्छे लेवल्स को टेस्ट करा था और वहां से हमने गिरावट आते हुए देखी और जो करंट मार्केट प्राइस था उस करंट मार्केट प्राइस के नीचे जाके इसने क्लोजिंग दे दी थी और इसने जो लेवल को टेस्ट करा था जिसका हाई निकाला था वो 1000 के ऊपर निकाला था, तो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। पर उसके बाद हमें जैसी गिरावट आते हुए देखिए, हम कह सकते हैं और गिरावट आ सकती है इसके अंदर। तो 977.8969 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 997 का लगा के चलना चाहिए। तो आपको ये सेल करने की सलाह दी जा रही है।
इंडी को बाय करने की सलाह दी जाएगी। जिस तरीके से मोमेंटम आप देख रहे हैं, आप चार्ट्स लगा रहे हैं कि इसमें एक रिकवरी आ चुकी है, अब इसमें अपसाइड बन सकती है। तो 1196 का पहला टारगेट, 1212 का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 1176 का मेंटेन करके चलना पड़ेगा। 1200 का एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस है, जिसे वो क्रॉस शेयर ना करे, अगर क्रॉस करता है तो हम और ऊपर की अपसाइड जाते हुए देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक खास बात बताऊं, आप पहले हम चलते हैं निफ्टी की ओर, आपको डाटा पॉइंट्स के साथ पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, क्या मार्केट पूरा मोमेंटम, क्या पूरी मार्केट कल रिएक्ट करेगा, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इसके अंदर देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हम पहले डाटा की बात करते हैं, तो पहला डाटा है इंडियन बॉन्ड 12 ईयर 10 साल का बॉन्ड यील्ड्स। इंडियन बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो आज उसने नया 52 वीक हाई बनाया, जो कि 7.829 का है, और अभी वो उसके पास ही ट्रेड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं सबसे पहला डाटा पॉइंट जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में हम एक कंसोलिडेशन देख सकते हैं, वरना गिरावट देख सकते हैं। तो दो हम एक तरीके से दो एजम्पशंस लेकर चल रहे हैं, वरना कंसोलिडेट हो सकती है मार्केट, वरना हम गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि नया 52 वीक हाई बनाया है। अब हम कह सकते हैं कि नया 52 वीक हाई क्यों बनाया है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ने। तो हमने देखा है कि आज मंडे को मार्केट में, आज के बाद हमने देखा है कि इन्फ्लेशन के रिजल्ट्स आए अप्रैल के, और 4.28 जो मार्च का इन्फ्लेशन था वो बढ़ के 4.58 हो गया है। और अगर हम CFPI की बात करें, यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की बात करें, तो वो 2.80 से बढ़ के 2.83 बढ़ गया है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत से वेजिटेबल्स के प्राइस भी 7.5% तक इंक्रीज हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से मतलब 4 मंथ हाई इसने इन्फ्लेशन ने बीट कर दिया है इन्फ्लेशन इंडेक्स को, तो हम कह सकते हैं एक गिरावट तो ये बढ़ रही है, कि उसी वजह से हमने देखा 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स गिर सकते हैं, पहला डाटा पॉइंट। दूसरा डाटा पॉइंट वर्सेट, हम ये वर्सेट तो नहीं कह सकते, पर पुअर इन्फ्लेशन डाटा है दूसरा डाटा पॉइंट। तो ये दो डाटा पॉइंट है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मार्केट कल कंसोलिडेट या गिर सकती है। अब तीसरे डाटा पॉइंट की बात करें तो सब जानते हैं मिड कैप इंडेक्स। तो हमने देखा था कि मिड कैप इंडेक्स ने अच्छी खासी गिरावट आ रही थी, पर हम देख रहे थे कि दो ट्रेडिंग सेशन से उसमें फिर तेजी लौट आई थी, पर आज जिस तरीके से हमने देखा कि वो फिर 250 से 300 पॉइंट, यानी 250 से 300 पॉइंट्स फिर उसने डाउनसाइड दिखा दी। तो हम कह सकते हैं कि लोगों में टेंशन बढ़ी हुई है कर्नाटका इलेक्शन के रिजल्ट्स पे, क्योंकि अगर उन लोगों में रिजल्ट्स की टेंशन नहीं होती है तो वो प्रॉफिट बुक नहीं करते। जिस तरीके से हमने सारे स्टॉक्स पे, मिड कैप स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है, वो साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट से ऊपर के लेवल्स में हम प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हैं। तो तीसरा डाटा पॉइंट जो मैंने आपको सजेस्ट करा है कि मिड कैप इंडेक्स तो मार्केट कंसोलिडेट या फिर गिर सकती है। तो तीन डाटा पॉइंट्स ऐसे हैं जो शो कर रहे हैं कि हमें सेल करने की जरूरत है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। अब बढ़ते हैं हम चौथे इंडिकेटर, तो वो है कर्नाटका इलेक्शन खुद। तो कर्नाटका इलेक्शन की बात करें, अगर बीजेपी फुल पार्टी से बनती है, तो अपनी सरकार बनाती है, अपनी गवर्नमेंट बनाती है, और तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। और जो मैंने आपको डाटा पॉइंट्स बताए हैं, वो डाटा पॉइंट्स को शायद वो निफ्टी कल के सेशन के लिए भूल जाए, तो हम और ऊपर के लेवल यानी 10,950 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। और मैं आपको कह दूं, तभी हम ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं अगर जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से मतलब पूरी मेजोरिटी से सरकार बनाती है, तभी हम कह सकते हैं कि हम ऊपर के लेवल्स देखेंगे, वरना ऊपर के लेवल्स नहीं देखेंगे। अब दूसरा रीजन अगर हम बात करें, अगर बीजेपी को उतनी सीट्स नहीं मिलती है जितनी वो मेजोरिटी के लिए काफी थी, और जीत जाती है, सरकार बन जाती है, तो उन्हें टाई अप करना पड़ेगा जेडीएस के साथ, क्योंकि जेडीएस के साथ टाई अप करेगी तो हम कह सकते हैं मार्केट को ये रिएक्शन अच्छा ना लगे, वो ये बात नेगेटिव में ले ले, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट गिर सकती है उस टाइम भी। तो अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो आपको मैंने ऐसे 4 से 5 डाटा पॉइंट्स बता दिए हैं जो क्लियरली हम इंडिकेट कर रहे हैं कि निफ्टी को शॉर्ट करने की ही सलाह दी जाएगी। 10,740 10,650 तक के लेवल हमें आने वाले टाइम में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 10,940 का लगा के चलना है, 10,900 का नहीं। बैंक निफ्टी की बात करें तो क्लियरली शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी 26,600 के टारगेट के साथ। आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, टारगेट आपको 26,320 तक के बैंक निफ्टी के अंदर 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर मिल सकती है। अब आप सब लोग को पता होगा कि रेन इंडस्ट्री जो एक मल्टीबैगर बन चुका था, अब उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई है,
तो क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस, क्या रेजिस्टेंस, क्या सपोर्ट बढ़ रहा है और क्यों गिर रहा है, वो मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और कर्नाटका इलेक्शन की पूरी एनालिसिस मैं आपके साथ कर चुका हूँ, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आपको शो कर रही होगी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आप लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस हर दिन पा पाएंगे, और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आप लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस का मजा ले पाए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये यूजफुल डाटा जो मैंने आपको सजेस्ट करा है आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।